जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बड़ा बयान आया सामने, सत्ता में आने पर गलत फैसलों पर होगा पुनर्विचार। अल्ताफ बुखारी बोले, बीगी बिल्ली बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। रजौरी नगर परिषद के कांग्रेस सभासदों ने किया प्रदर्शन, प्रॉपर्टी टैक्स के आदेश को लेकर दिया धरना। जम्मू में शिवसेना ठाकरे गुट ने एलजी को भेजा ज्ञापन। बड़े ही अनोखे अंदाज में उठी दुल्हन की डोली, उड़न खटोले में बैठकर मायके से पहुंची ससुराल। दूल्हे ने पूरी की अपनी स्वर्गीय दादा की इच्छा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर उठे विवाद के बीच अपनी पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया है। अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में अगर सत्ता में आते हैं तो उन सभी फैसलों पर पुनर्विचार किया जाएगा जिन्हें लेकर इस केंद्र शासित प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान बुखारी ने भाजपा नेताओं पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने खासतौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी भी भाजपा में अब नहीं चल रही है और वह भीगी बिल्ली बनकर रह गए हैं। लगता है तो ये एक ही, ये सिक्के के दो हिस्से हैं, लेकिन शायद इनकी राजनीति यही है, लोगों को रुलाव 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 रुलाव। देखिए साहब, ये चीजें तो कुछ हमारे हाथ में भी है। खुद ये क्या दो महीने इलेक्शन ना करे और तीन महीने ना, चौथे महीने करेंगे। आपको मैंने कहा है सब चीजें, ये सब चीजें रिव्यू होंगी। जब 5 साल से इनको ही देख रहे हैं, इनकी क्या चलती है कुछ? आपको नहीं लगता कि आपको लगता है भाजपा की जो यहाँ लोकल यूनिट है इनकी कुछ चलती है? अगर चलती होती तो मेरे साथी रविंद्र रैना को मैंने असेंबली में देखा है, शेर की तरह गरजता था, लेकिन आज तो बिल्ली बना दिया है उसका। वो गया बेचारा परसों नहर पे, कहा मेरी डेड बॉडी के ऊपर से, दूसरे दिन रिहाड़ी। रविंद्र भाई सुनते अगर हो, क्या कर रहे हो? अपने जलाल में आ जाओ, क्यों लोगों के पास ही हम सबको जाना है। हमें ना एलजी साहब कल वोट दिलाएगा, हमें अपने वोट लोग ही वोट देंगे। अगर हम इनको तकलीफ देंगे ऐसे तो ऐसे नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें भी लोगों के हित में नहीं हुई हैं, ये तो जितने खंजर इन्होंने घुसेटे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की छातियों में, मैं नहीं कहता हूँ पीठ में, छातियों में, इन सबको रिव्यू किया जाएगा। यही नहीं है, हम भूल जाते हैं, इंसानी यादाश्त बहुत बड़ी कम होती है, हम भूल जाते हैं। आप याद करो ना, हमारे बच्चे कितने यहाँ एजुकेशन पे बैठे हैं, बॉर्डर बटालियन, वो अकाउंट्स असिस्टेंट, कितने ने? कोई नहीं, कौन कौन नहीं बैठा है? पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? अगर कहते हो पेपर आउट हो गए, बच्चों ने सवर किया, वो क्यों नहीं जेल गए? वो अफसर जो उसमें मुलविस थे, जिन्होंने उस एजेंसी को लगाया, वो क्यों नहीं जेल गए अभी तक? क्या उसमें क्या किसकी तरफदारी हो रही है, किसको बचा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो आज अपील करता हूँ, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, छोड़े इख्तलाफ, हम किस जमात से हैं, कौन है, क्या है, लेकिन लोग तो हमारे हैं ना, हमें तो यहीं इन्हीं में रहना है। इन ये जो आवाम मुखालिफ फैसले हर दिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वी शुड गेट अप एंड जॉइन हैंड्स एंड फाइट देम टूथ एंड नेल, फाइट देम। प्रॉपर्टी टैक्स का पुरजोर विरोध कर रही कांग्रेस के राजौरी नगर परिषद के सभासदों ने आज जहां धरना देकर सरकार के इस आदेश के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं जम्मू में शिवसेना ठाकरे गुट ने भी उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। आइए देखते हैं राजौरी नगर परिषद के कांग्रेस सभासदों और शिव सैनिकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। लोग थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो थन्ना मंडी के थे, दराल लोग थे, दराल के थे, बुद्दल के थे, मंजाकोट के थे, ये लोग मिलिटेंसी के मारे हुए लोग हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए की जमीनें अपनी थी जो, वो लाखों में बेच के शहर के अंदर चार चार पांच पांच मरले जगह ली और वहां आके बैठे, या उनके पास कोई रोजगार नहीं है टोटली,
जमीन भी छोड़ दी, आके शहर में बैठ गए। आज ऐसी पोजीशन बन गई है कि उनके खाने के लिए खाना नहीं है, तो ये गवर्नमेंट उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है। इसलिए हम गरीबों के साथ बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट के जितने कानून आज तक बने हैं, चाहे वो किसानों का कानून था, चाहे वो प्रॉपर्टी का कानून है, चाहे इन्होंने लैंड इशू था, वो सारे में ये फेल हो चुके हैं। इसलिए हम इस गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं पूरी स्टेट में कि ये हमारी हिंदुस्तान हमारी स्टेट में जेएंडके में ये टैक्स हम लागू नहीं होने देंगे। हम मिलिटेंसी के मारे हुए हैं। हम एलजी साहब से ये अपील करेंगे कि अगर एलजी साहब हमारे स्टेट के होते, उनको ये पता होता कि ये लोग कितने गरीब गुरु में हैं। ये चीजें लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके ये जो टैक्स है अगर जम्मू कश्मीर से बाहर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर एक लोगों के पास स्कोप है, पोटेंशियल है रोजगार का, यहाँ पर ये चीजें नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीजें लाई जाए, इंडस्ट्रीज खोली जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, फैक्ट्री लगाई जाए, उसके बाद टैक्सों पर टैक्स लगाया जाए। मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मत परेशान किया जाए। अगर इस तरह की ये घोषणा डे बाय डे करते रहेंगे तो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बच्चा बच्चा, काउंसलर, जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी है, हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसमें जो भी हिंसा होगी उसका जिम्मेवार यहाँ का एलजी प्रशासन होगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगी। एक बार दोबारा यहाँ पर आए हुए लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, और आने वाले दिनों में जो भी हमारी पार्टी का कार्यक्रम होगा हम आपको बताएंगे, और उसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एलजी साहब से आज हम गुहार लगा रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि उन तक ये आवाज पहुंचे कि इस संपत्ति कर को ना लगाया जाए। जनता को इस समय राहत की जरूरत है, राहत दी जाए, ना कि उनके ऊपर करों का बोझ डाला जाए। इसके साथ ही हम यहां से एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी भी देते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर इस कर को वापस लेने का फैसला नहीं लिया गया तो शिवसेना एक विशाल जन आंदोलन छेड़ेगी, भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा, शिव सैनिक बैठेंगे और वो अनिश्चित काल भूख हड़ताल होगी। तब तक वो भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। कांग्रेस की बिश्नोई इकाई ने प्रॉपर्टी टैक्स की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस मुद्दे को लेकर बिश्नोई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भारत भूषण कुंडल ने उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ही कोरोना लोगों की कमर तोड़कर रखती है और रही सही कसर अब सरकार द्वारा आए दिन लगाए जा रहे नए नए टैक्स पूरी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने और हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अपना वादा निभाने के बजाय सरकार लोगों पर टैक्स का बोझ डाल रही है। जो जितनी भी जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सब जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो सेंटर के दबाव के नीचे है और सेंटर जम्मू कश्मीर को फलने फूलने नहीं देना चाहती है। अब देखिए दिल्ली रोजाना कोई ना कोई यहाँ पे नया जो सबूका ये छोड़ देती है, नया नया ऑर्डर कर देती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ऑर्डर जो है वो जो जन विरोधी हों वो जम्मू कश्मीर के ऊपर मत इम्प्लीमेंट करिए। अगर करनी है तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर आपने कोई ऑर्डर पास करवाना है तो लोगों में जाइए, लोगों की राय के बगैर मत कीजिए, ताकि लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे, पैसे पहले ही कोरोना ही कोरोना की वजह के कारण और ये लोग जो है इनका बिजनेस अभी फल फूल नहीं रहा है, सफर कर रहे हैं। तो आप नए नए यहाँ पे टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं, तो आप जितना जो आपने वादे किए वो तो पूरे कीजिए। आपने बोला था 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जॉब देंगे, आप नए नए जितने भी आप जो टैक्स यहाँ पे टैक्स आप निकालते हैं बाद में वो आप रद्द कर देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के आदेश का विरोध कर रही जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, और इसी में अगर बात करें तो एसोसिएशन के बैनर तले आज वकील हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते जम्मू हाईकोर्ट में आज कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। एसोसिएशन ने बुधवार को ही ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भी विश्वास में लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बंद की कॉल भी दी जा सकती है। हम
को लगाना है नहीं लगाना है, लोगों की राय लो और कितना कितना लगाना है, किसको लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, ये सब बातें जो है इन्होंने आर्बिट्रेटरी जो है एक सिस्टम बनाया है वो अच्छा नहीं है। जब लोगों के लिए काम करना है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है, तो लोगों का भरोसा भी जीतना बहुत ज़रूरी होता है और उनको कॉन्फिडेंस में लेने से इनको परहेज भी क्या है, इनको इतना डर क्या है, अगर कौन सी बात है छुपाने की, अगर कुछ बात सही है और गवर्नमेंट का काम करना है, किसी को इसमें से कोई इनको घाटा पड़ा कुछ पड़ा है, तो वो सब बातें इन लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए और दिखानी चाहिए और सबसे पहले इनको पूछताछ करके उसके बाद ही एक राय बनाकर ये करना चाहिए था। इन्होंने जो एक तरफा जो बैठे हुए अपने उधर अपने ऑफिस में बैठे हुए ये लगा दिया है, इसलिए ये लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है। ये हमारी यही आईमान थी, ये जब करना ही था कुछ है, तो लोगों को पूछो क्या क्राइटेरिया है, क्यों लगा रहे हो आप इतने अरसे से जम्मू में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चल रही है ना, जब से ये जम्मू चल रहा है तो इससे पहले भी तो डेवलपमेंट होती ही थी, इससे पहले भी तो ये सब सिस्टम चलता था, ऑल ऑफ सडन जो है इन्होंने जो फैसला लिया है ये एक आर्बिट्रेटरी फैसला है और इसको जो है वो प्रॉब्लम पूछना चाहती है कि क्यों लिया है थोड़ा बहुत, इसलिए उसी के प्रोटेस्ट में हमने ये आज बरसात किया। शादी को यादगार बनाने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए मौजूदा दौर में लोग पानी की तरह रुपया पैसा बहाते हैं। शादी समारोह में लोगों द्वारा जहां बड़े बड़े पंडालों की सजावट करते हैं, वहीं सैकड़ों किस्म के व्यंजन भी परोसे जाते हैं, वहीं भव्य रूप से बारात का स्वागत भी किया जाता है। ऐसी एक शादी को यादगार बनाने के लिए कठुआ में एक परिवार द्वारा अपनी बहू की डोली को अनोखे अंदाज में उसके मायके से ससुराल लाया गया। वहीं कठुआ के फलोट गांव के निवासी पारस मेहता ने ये अंदाज अपने दादा की ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। वहीं व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने वाले पारस ने पठानकोट के बमियाल इलाके से स्थित अपने ससुराल से शादी की रस्में पूरी करने के बाद अपनी पत्नी स्माइली को चौपर से उसके ससुराल पहुंचाया। वहीं फ्लोट गांव में इस नजारे का साक्षी बनने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ आया। वहीं पारस के मुताबिक ये उनके दादा की इच्छा थी कि उनके पोते की शादी कुछ अलग और भव्य अंदाज में हो और उससे उन्हीं की इच्छा पूरी की गई है। सच कोई सपना नहीं था, मैं जहाज में आऊं, मैं ऐसा करूं, मैं तो शुरू से सिंपल मंदिर में शादी करना चाहता था। मेरे दादाजी, मेरे पेरेंट्स, मेरे ताया जी, इन्हीं का शौक था, यही घर पे बैठ के डिस्कशन करते थे कि कुछ अलग करना ही है, दादाजी ने बोला है तो कुछ करना है। नहीं, मिसाल का कुछ नहीं है, ये तो चलो पैसे खर्चो तो हो जाता, बट मेरे घर पे ऐसा था कि ताया जी ने बोला तुम करो तो सही, पैसे हम लगाएंगे, चार ताया जी है मेरे, तो उन्होंने बोला हम पैसे लगा रहे, तुम करो कुछ अलग तो करके दिखाओ, जो दादाजी ने बोला तो वो कौन करेगा। तो फिर वैसे ही सब इकट्ठे हो ना, जब यूनिटी होती है ना तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। हाँ जी, बहुत बड़ा खुशी का पल है। मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से हूँ, विलेज बमियाल, बहुत बड़ा, मैं बता नहीं सकती। जम्मू के ब्लॉक खोड़ की बॉर्डर एरिया किसान कमेटी ने सेना के अधीन आई जमीनों का मुआवजा न मिलने पर स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कमेटी का आरोप है कि सरकार द्वारा किसानों का मुआवजा जारी किया गया है, लेकिन स्थानीय तहसीलदार किसानों में इस मुआवजे के आवंटन को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बॉर्डर एरिया किसान कमेटी ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से न्याय की मांग की है। उन्होंने किसानों को मुआवजा जारी न करने के मामले की जांच करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। डिमांड है, जो तहसीलदार खोड़ के खाते में लाखों रुपया किसानों का 7 साल से उसके खाते में पड़ा हुआ है, सरकार उसमें एक कमेटी बैठाए, इंक्वायरी कराए कि वो पैसा क्यों लोगों को नहीं दिया गया। दूसरी डिमांड है, जो बाकी जो सेंक्शन है, अवार्ड हुए हैं, उनका भी पैसा इन्होंने रोका हुआ है, किसी का 18 साल से है, किसी का 22 साल से है, 25 साल से है, और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो एरिया सारा सरकार डिफेंस के उन्होंने लिया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है, लेकिन उसका रेंट जो है वो रेंट जो है वो हमारे जिम्मेदारों को उसका रेंट नहीं दिया जाता। तो हम, और एक और बात, 99 में जो जमीन आई थी, अभी 22-23 साल हो गए हैं,
आज तक उसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर आर्मी वाले लोगों को आगे जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, ये हमारी, ये हमने जमीन ली हुई है। तो आज तक उसका भी कोई पैसा नहीं है। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक में दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इनमें प्रशासनिक अधिकारियों लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पुंछ ब्लॉक की पंचायत झुलास में ब्लॉक में भी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि डीसी पुंछ इंद्रजीत सहित तमाम विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान डीसी पुंछ ने कुछ लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य की समस्याओं के हल के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। और इस दौरान पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की भी डीसी द्वारा समीक्षा की गई और स्थानीय लोगों ने ब्लॉक दिवस के आयोजन के लिए प्रशासन का आभार जताया। वेलकम करते हैं डीसी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका हमें ये फायदा कि हमें कामों का जायजा लगा है, जहाँ जहाँ काम ठीक हो रहे हैं वो भी डीसी साहब को बताए, जो खराब है वो भी बताए। कुल मिलाकर हमारी पंचायत में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, डीसी साहब कामयाब हैं और हम डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बड़े बड़े मसले हल किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे बुच्चे काम हैं वो भी डीसी साहब ने गौर से सुने हैं, वो भी होंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया द्वारा और अपने लोगों का वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान होते हैं और हर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी जो है वो यहाँ के चुने हुए जो आवाम के नुमाइंदे हैं वो अपना ख्याल का आज़ाद करते हैं। सुबह से ये पूरी डिबेट चल रही थी और एक तो रिव्यू हो जाता है इससे। इस इलाका के अंदर अल्लाह ताला का करम है कि पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें हमारी नवाड की 3-4 बड़ी स्कीमें हैं जो 4-5 करोड़ रुपए की हैं। बाकी बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हैं, जेजेएम के अंदर जो है हमारा सलोत्री काम हुआ है। इसमें करीब 5-25 घंटे के रहने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं सोमवार सुबह शेरबीबी इलाके में पस्सियां गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया था, जिससे कि ना तो जम्मू से श्रीनगर और ना ही श्रीनगर से जम्मू किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई थी। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर संवेदनशील इलाकों में मरम्मत के काम के लिए इसे अब 3 दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे कल यानी कि 24 फरवरी 3 मार्च और 10 मार्च को बंद रखा जाएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा उधमपुर के दरमथल इलाके में पेश आया, जब करीब 50 घंटे बाद रहने के बाद हाईवे आज सुबह खुल गया और इसी बीच गाड़ियों की आवाजाही शुरू होते ही दरमथल के 2 टवेरा गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गए। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए उधमपुर के जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक और भाषा एकेडमी की ओर से आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस मौके पर जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक और भाषा एकेडमी जम्मू सचिव भरत सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डोगरी प्रोग्राम के साथ साथ थिएटर प्ले भी आयोजित किए जा रहे हैं। और क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। 24 से 4 रोजा हम डोगरी का प्रोग्राम कर रहे हैं और थिएटर को भी मतलब इग्नोर नहीं किया है। थिएटर का हमारा जम्मू में भी मैंने प्लेस रखे हुए हैं जो मार्च के पहले हफ्ते में होंगे, कश्मीर में भी हमने रखे हैं, हो सकता है मार्च के कहीं सेकंड या थर्ड वीक में वो हो पाएँ। और फिर कोई एक वर्कशॉप भी मैंने रखी हुई है कि थिएटर को भी हम कंटिन्यू सपोर्ट करें। तो लैंग्वेजेस की तरफ तो हमारा है ही, डे आते रहते हैं, लेकिन हमारा जहाँ भी मतलब हमारी जो जिम्मेवारी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको निभाएं, उसको प्रमोट करें
तो श्रीनगर में हमारा एक एनएसडी के साथ कोऑर्डिनेशन मतलब कोलाबोरेशन में 23 से वहाँ भी हमारा थिएटर का जो है प्रोग्राम जो है वो टैगोर हॉल में होगा। तो अपनी कोशिश यही है कि हम कल्चर के रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं सिर्फ एक ही की तरफ नहीं, हर किसी को हम इक्वली ट्रीट करें और उसके साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं जुड़े हुए वो उनको एंगेज रखें ताकि हमारी जो कल्चर की इन टोटैलिटी प्रमोशन हो सके, मतलब उसके सारे एस्पेक्ट्स सारे जो उसके कंसर्न फील्ड हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल फुटिंग पे लें और प्रमोट करते रहें और अपने इतनी डाइवर्स हमारी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेजेस हैं, इतनी कल्चर में डाइवर्सिटी है कि आप हर रीजन में देखिए आपको एक अपनी तरह का कल्चर दिखता है। तो एक जो कंपोजिट कल्चर है इसमें मतलब मेरी तो ये कोशिश है कि मैं किसी को भी पीछे न रहने दूँ और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, तो उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। और उसमें यह है कि हर पर्टिकुलर जो कल्चर है या हर पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसके जो रीजनल लेवल पे जो आर्टिस्ट हैं उनको इंगेज करने की हमारी कोशिश है। अभी मैं आपको बताऊं 24 और 25 को हम भदवा में जाई में मतलब ये कर रहे हैं एक विंटर फेस्टिवल, तो उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इन्वॉल्व है और टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो मतलब हम बैठे यहाँ हैं लेकिन कोशिश है कि हर जगह जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसमें जम्मू के जीएमसी अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने निजी एम्बुलेंस ऑपरेटर पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि इनकी मनमानी के कारण आए दिन इमरजेंसी के बाहर जाम लगा रहता है और बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मानते और अभद्रता पर उतर आते हैं। और वहीं निजी एम्बुलेंस यूनियन के प्रधान सोमनाथ दबगोत्रा के मुताबिक ये सारी समस्या पार्किंग न होने के कारण पेश आ रही है जिसका अस्पताल प्रशासन कोई समाधान नहीं कर रहा है। सोमनाथ दबगोत्रा ने सुरक्षा कर्मियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एम्बुलेंस ऑपरेटर अभी मरीज को उतार भी नहीं पाता और ये लोग उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। सर इनके लिए टाइम है टोटल 10 या 15 मिनट के लिए, जब इनको बोलो कि आपका पेशेंट आ रहा है या कोई मरीज आ रहा है या कोई बॉडी आ रही है, ये बोलते बस आ रहा है उससे ये टाइम ले लेते हैं, ज्यादा 10 15 आधा घंटा वहां खड़े मत, परंतु इनके लिए टाइम यही है 10 या 15 मिनट। जैसे इनका पेशेंट आया या कोई सवारी आई एकदम बार बदतमीजी से बात तो करनी चाहिए। लोग आप पहले ही किस टाइप के लोग हैं जिन्होंने पहले ही ना के गलत काम किए हैं उसी के वजह से ये उसका फायदा उठाते हैं, तो बोल रहे हैं कि तो इतना टाइम हुआ है अभी एम्बुलेंस बाहर से एम्बुलेंस से आ रही है तू जगह अपना, बोला जी मैं तो अभी 2 मिनट हुए मेरे को 3 मिनट हुए, यार तेरे को 2-3 मिनट हुए तेरा अगर तेरी सवारी है तो बैठाओ चलते मन नहीं है तो इधर किस लिए मैं बैठा हुआ, क्योंकि जहाँ पे ये मान लो एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस लगी पीछे से और गाड़ी आएगी पेशेंट आए तो इनके लिए बस से जाम लग जाता है, जहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही है अपनी सवारी आए बिठाए और चलते ना तो जाम लगेगा ना किसी को प्रॉब्लम आएगी। तो इनको व्यवस्था जहाँ पे करनी चाहिए ना, चाहे एम्बुलेंस के लिए चाहे दूसरी प्राइवेट गाड़ियों के लिए, वो व्यवस्था नहीं कर पाए ये आज तक। ये बहुत पुरानी दिक्कत है कि जो पेशेंट लेके आते हैं उसमें सीरियस पेशेंट भी होता है, लेकिन जहाँ पे चाहे वो एम्बुलेंस में आए चाहे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में आए, तो जहाँ पे पेशेंट पहुँचाने में बड़ा टाइम लगता है और जब पेशेंट इमरजेंसी के वो बाहर पहुँचता है तो एम्बुलेंस वालों को जहाँ दूसरे जो प्राइवेट गाड़ी में लेके आए होते हैं तो इतना टाइम नहीं दिया जाता उनको कि वो बड़े आराम से जहाँ से पेशेंट लेके अंदर जाएं। और अभी गाड़ी बंद भी नहीं होती है, ना ड्राइवर बाहर निकला होता है ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ये जो सिक्योरिटी वाले वे एकदम सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं कि बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। जम्मू के गोल गुजराल में श्री गुरु तेग बहादुर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस स्टेडियम में एक पवेलियन का नाम भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मैनेजर जगजीत सिंह जग्गा के नाम पर रखा गया है। ये सम्मान उन्हें हॉकी के खेल में उनके द्वारा दिए गए योगदान के चलते दिया गया है।
इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ बहुत दर्शन सिंह जी हैं, उन्होंने जब यहाँ पे बड़ी जगह रखी और जब हमारी पंचायत बनी जब ग्राउंड का काम स्टार्ट हुआ और हमने 2021 में एक रेजोल्यूशन डाला था कि उसमें जो जगजीत सिंह जगह जो हमारे इंडिया टीम के इंडिया के लेवल पे जो मैनेजर गए थे बाहर टीम लेके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उनके नाम में हमने पवीनी का नाम रखा है और जगह की बदौलत जो जगजीत सिंह जगह थे उसके होते हुए जे एंड के में हकी जिंदा थी। जैसे हमारे गोरखजवाल में हमारे एक सतवीर सिंह जी हैं वो एयरफोर्स में उन्होंने अपना नेशनल लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल के टीम में सर्विस में उन्होंने एज ए कैप्टनशिप की है और हमारे यहाँ पे एक डीआईजी रिटायर हुए हैं सतारसिंदर सिंह जी वो भी उनकी देन है और हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो कि आज कोई इफको में है कोई किसी टीम में है कोई जे एंड के पुलिस में है सब जगजीत सिंह जगह की देन थी। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।